आपने खेल में जो तपस्या की है वो जरूरत पड़ने पर उसने अपना रंग बिखेरा। पहले रन विराट कोहली की कवर ड्राइव, पॉइंट दिशा में पहला चौका लजीज खूबसूरत। कैप में इस बार डेविड मिलर के पास कोई मौका नहीं। बल्ला सिलेंडर पर रखिए, गेंद उड़ी, खूब उड़ी, उड़ी 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 स्टैंड्स में जाके जुड़ी। चालाक चतुर लोमड़ी उड़ाया, उठा के दे मारा, चार मिलेंगे। बल्ले पाली है, उड़ान, कसम की उड़ान, भरिए छे का लगान, गगनचुंबी छक्का। विराट बताइए, इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया, और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी, और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए मुझे पहले चार बॉलों में तीन चौके मिले, तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है एक रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहाँ पे मुझे फील हुआ कि, और स्पेशली जब हमारी विकेट गिर गई, कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है टीम के लिए क्या ज़रूरी है इस समय पे, सिर्फ वो ही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया। अब वो मैं किस वजह से डाला गया वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंध गया। और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज़ होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है, तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। अगर आप मैच भी देखें जिस तरीके से मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में, जहाँ से मैच पलटा, और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक एक बॉल में कि मैच यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। एक एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी, उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया, उसके बाद एक एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी। तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद। और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं बुला पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहां से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ये सबको लग रहा था विराट के कि टोटल आपका 75 और बाद में एकदम 76 तो कभी कभार ये पल होती है जी जब सब लोग कहते हैं यार तुम भी कर लोगे, वो भी एक बार करा करते ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। लेकिन परिवार से इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे तो? अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज़्यादा है तो परिवार से ज़्यादा बात नहीं हुई, मेरी मम्मी ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं। पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था, तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की ज़रूरत थी, और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ सर। बहुत बधाई भैया।